नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोचा धामर प्रखंड के मजागवा पंचायत के मदरसा संख्या 482 में फर्जीवाड़ा तरीके से एक शिक्षक की बहाली कर दी गई है। इसकी बहाली की प्रतिक्रिया जिस प्रकार से होनी थी वैसा कुछ नहीं किया गया। इसके कारण मदरसा सदस्य ने इस मामले को लेकर सच का भंडाफोड़ किया है। मदरसा सदस्य का कहना है कि इस फर्जीवाड़े तरीके से जाली साइन कराकर एक शिक्षक की बहाली कर दी गई है। मामले में पता चला कि रिश्वतखोरी का आरोप भी लगा है। अब शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे मामले में बड़ी कार्रवाई कर कमेटी के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया जा सके, ताकि ऐसी कमेटी को गलत तरीके से किसी की बहाली न कर दे। जबकि फर्जीवाड़ा तरीके से बहाली करने के मामले को लेकर सदस्य ने कहा कि ना कोई एक्सपर्ट बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और ना ही कोई उच्च पदाधिकारी आए, बिना इंटरव्यू के ही बहाली कर दी गई है। मामला ये भी है कि 17 लाख रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इलाके में यही मदरसा था जी। इसके बाद उसके गांव में दो दो स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल। तो मैं माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका जो ये गाइडलाइन मांगा, तो उन्होंने बताया कि जिस सरकारी अदारे के बगल में जो गाँव होगा उसका प्रसन्न क्षेत्र वही होगा। तो पहले जमाने में 1964 में कन्हैयाबड़ी मदरसा था। इस मदरसे में हर गांव का आदमी आता था, अभी भी हर गांव का आदमी आके पढ़ सकता है, लेकिन पोषक क्षेत्र तो पोषक क्षेत्र है, बाहर है। अब आगे का क्या प्रक्रिया आप लोगों का? आगे का प्रक्रिया यहाँ के ग्रामीणों ने जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। मदरसा तो मेरा अपना है ना, किसी एक आदमी का नहीं है, सारे ग्रामीणों का है। यहाँ का पब्लिक जिसे चाहेगी उसे बनाएगी। सेक्रेटरी पर कई आरोप लग रहे हैं आज हम लोग के सामने में लगाया गया कि कई बहाली का पैसा उनके पास रह गया है, कई बच्चों का टूर का पैसा रह गया, क्या सच्चाई इसमें? बिल्कुल, मेरी जानकारी में जितनी बातें आई है सब सच है। यानी कि शुरुआती दौर से आपको हर चीज में नजरअंदाज किया गया है, आपका ये आरोप? एकदम बिल्कुल। जबकि सालों में क्या किए सर आप? इससे पहले भी कई बहाली हुई है, इन बहालियों में क्या कुछ हुआ था और इस बहाली में क्या हुआ? क्योंकि इसमें ये भी आ रहा है कि आप अपना लड़का का बहाली करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, इसलिए आज आप बैठे हैं अपने लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लड़का की बहाली का कोई बातें नहीं है, ये गलत बात है। ग्रामीणों को पूछिए, मुझे मदरसा में लालच होता, मदरसे के पैसा का लालच होता। मैं अपने चंदा दे के एक घर बनाया हूँ, 10,000 रुपया मैं चंदा दिया हूँ। और मदरसा में रोड बनाया, जब मैं पंचायत समिति में जीता मदरसे में अपने फंड से रोड दिया। इस मदरसे में आज जो भी चहल पहल है मेरे वजह से है, और हम लोगों को इस्तेमाल करके दूसरा आदमी ना जाए खाली पैसा बटोरने के लिए या राज करता है हम लोगों को। दूसरा आदमी यानी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी का नाम क्या है सर? मुश्ताक अहमद। वो इस पोषक क्षेत्र से है? अभी के हिसाब से इस पोषक क्षेत्र से बाहर है। तो इतने दिन से आप फिर कमेटी का भंग नहीं किए, जब क्षेत्र से बाहर हो गए तो तब से क्या कर रहे हैं? 1964 में जब मदरसा कायम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।